अच्छा फिर ये बोन उन्हें का नहीं दिखती है, महिलाओं के लिए सुरक्षा वो नहीं दिखती है, यूपी में क्या सुरक्षा है? कब तक फ्री खाओगे? अरे कब तक फ्री खाओगे? अरे नेता क्या नहीं ले रहा साथ, ये रेवड़ी अच्छी है तो फिर नेताओं के लिए नहीं अच्छी है, नेता नहीं ले रहे। अभी यात्रा निकल ली थी, तीन राज्य हार गई कांग्रेस, अब फिर की निकलेगी, पूरा देश हार जाएगी। जब बीएड पेपर से करवाऊ ना तो वो कहेंगे राहुल गांधी जी ये बीएड पेपर से क्यों जीत गए, इसमें भी कहेंगे राहुल गांधी कहेंगे इसमें भी बेईमानी हुई है, तुम बीएड पेपर से करवाओ चाहे ईवीएम से करवाओ, जीतेगी बीजेपी। मैं मैनपुरी यूपी से हूँ। तो यूपी के हालात क्या है? यूपी में हालात सही चल रहे, योगी जी के राज में सब अच्छा है, सब नहीं अच्छे, कुछ मामलों में ऐसा भी है कि नहीं भी अच्छा है, विपक्ष की बात सुननी चाहिए थी। हाँ। जैसे होता है अभी विपक्ष पता है क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रामलला को काला कर दिया मोदी जी ने, ऐसा कह रहा है विपक्ष। कहने का मतलब है तो बात कहीं ना कहीं तार्किक बात होती है, तार्किक बात में ये है जैसे मतलब कहा है किसी ने तो अधूरा मंदिर है, अधूरे मंदिर में मूर्ति नहीं लगनी चाहिए ऐसा बोला जाता है, तो वो कहीं कहीं तार्किक बात भी करते हैं तो उनकी सुननी चाहिए, अधूरे मंदिर में नहीं लगनी चाहिए, मंदिर पूरा बन जाता है, योगी जी को भरोसा था तो अपना पूरा मंदिर हो जाता, तब लगवाते फोटो, तब तक उन्होंने नहीं लगवाई, तो कहीं कहीं मतलब बदले की भावना सरकार करती है, कोई भी सरकार हो, या अभी जैसे दिल्ली भी आपने बात की, अब अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे, अभी क्या भैया कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक इनको नहीं दिखता है, शिक्षा फ्री है वो उन्हें नहीं दिखती है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है वो नहीं दिखती है, यूपी में क्या सुरक्षा है बताइए, आप बताइए, बस यूपी में महिलाओं की बस फ्री है, किराए के लिए नहीं है ना, दिल्ली में बिजली बिल फ्री है भैया वो नहीं दिखता है, तो कोई भी ये सरकार केंद्र वही कह रही हूँ कि जो फ्री की रेवड़ी है वो अच्छी है क्या? फ्री की रेवड़ी अच्छी है तो फिर नेताओं के लिए नहीं अच्छी है, नेता नहीं ले रहे, नेता भी नेता नहीं ले रहे, कब तक फ्री खाओगे? अरे कब तक फ्री खाओगे? अरे नेता क्या नहीं ले रहा, नेता सारी फैसिलिटी लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं बताइए, जनता के लिए नहीं हो सकता है क्या? जनता के लिए काम कर रहे नेता, तो जनता ही के लिए तो काम नहीं कर रहे नेता, नेता अपने लिए काम कर रहे हैं, फैसिलिटी सारी नेता को दे देंगे, लेकिन इसके लिए अगर सरकार कोई दे रही है गरीबों के लिए, इससे तो सरकार मतलब आगे बढ़ेगी, सरकार उसे वोट देगी जनता, तो वो क्या कहते हैं ये मत करो भाई, तुम पैसा वालों का पैसा माफ़ कर रहे हो, अडानी अम्बानी इनका पैसा तुम माफ़ कर रहे हो, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब। भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, तो 400 पार है वो बात अलग है, वो तो कहेंगे 500 पार भी, लेकिन एक बात इधर भी तो पॉइंट रहता है, पॉइंट दोनों तरफ होता है, एक तरफ की बात नहीं, एक तरफ की सुनोगे तो आपको लगेगा ये 500 पार निकल जाएंगे, और विपक्ष कह रहे हैं ना, कह रहे हैं न्याय यात्रा जो निकल रही है, विपक्ष न्याय यात्रा जो निकाल रहा है, यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं सबको न्याय दिलाएंगे, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, किसानों को, युवाओं को, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, अच्छा सरकार की है या नहीं, मजबूत विपक्ष अभी नहीं है, अगर वो यात्रा उन्होंने की है तो बहुत अच्छा किया, यात्रा से लोग जुड़ेंगे, नीचे जाकर वो समझेंगे कि क्या है, मतलब ऊपर के लोग थे वो जमीन में जानते नहीं थे क्या है जमीन में, तो उन्हें पता चलता है कि क्या है, अब वो आए नीचे मिल रहे हैं लोगों से, तो अगर विपक्ष मजबूत होगा संसद में आवाज़ उठेगी तो अभी यात्रा निकल ली थी, तीन राज्य हार गई कांग्रेस, अब फिर की निकलेगी, अब पूरा देश हार जाएगी। हाँ। ये कांग्रेस का एक मंत्र, ईवीएम बार बार ईवीएम ले आती है भाजपा, ईवीएम चाहे तुम बीएड पेपर से करवाओ चाहे ईवीएम से करवाओ, जीतेगी बीजेपी, जब बीएड पेपर से करवाओ ना तो वो कहेंगे राहुल गांधी जी ये बीएड पेपर से क्यों जीत गए, इसमें भी कहेंगे राहुल गांधी कहेंगे इसमें भी बेईमानी हुई है, तुम बीएड पेपर से करवाओ चाहे ईवीएम से करवाओ, ईवीएम का कोई दोष नहीं है, कोई घपला नहीं है, ये खाली बस काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया इसलिए बोल रहे हैं, काम करते हैं तो ये बात नहीं बोलते, विकास का मुद्दा है, अब विकास चलेगा, जो करेगा काम वही आएगा, अब तो नहीं आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे जो लोग कहते हैं कि ईवीएम में कमी है, ठीक है, जहाँ हिमाचल में बीजेपी की सरकार रही वहाँ कांग्रेस की आई गई, अगर ईवीएम में कमी होती तो वहाँ कांग्रेस की क्यों आती, बीजेपी की रहती। परंपरा है 5 साल में सरकार बदलती है हिमाचल, ना बदलते हैं, जब ईवीएम में बदले क्यों, जब ईवीएम कहते हैं विपक्ष कह रहे हैं कि इतने सारे राज्यों में चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े राज्य तो भाजपा जीत जाती है, छोटे छोटे कांग्रेस या दूसरों को दे देती है। पिछला जब इलेक्शन हुआ कांग्रेस जीती, मध्य प्रदेश में जीती, छत्तीसगढ़ में जीती, राजस्थान में कांग्रेस जीती, तब ईवीएम में कोई कमी नहीं थी, तीनों राज्य जीती तो कोई किसी भी विपक्ष ने नहीं कहा कि ईवीएम में कमी है। कहा था राजस्थान के लिए, कहा था नहीं, कहा था सर राजस्थान के लिए कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था, तीनों राज्य में कांग्रेस सरकार आई तो किसी ने कही कि ईवीएम में कमी है, क्यों कांग्रेस सरकार आई, अगर बीजेपी की आती तो ईवीएम में कमी है, जब बंगाल में
जब ईवीएम में कमी है तो बंगाल उगड़ा देश है। बात बताइए, धार्मिक बड़ा विपक्ष कह रहा है कि राम के नाम पर भाजपा वोट लेगी, अब उस राम भगवान को लेकर कांग्रेस कह रही है कि राम को काला कर दिया भाजपा ने। देखो कांग्रेस, अरे कांग्रेस उसकी धारे जो कह रही थी राम वो है, राम जी है नहीं धरती पे। अब राम जी ने एक नियम बनाया, जब तक मोदी जिएगा मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद योगी बनेगा, उसके संग राम भी चल रहे हैं। मोदी जी राम जी हैं, लक्ष्मण उनके भाई योगी जी हैं, सीता जी तो कोई पता नहीं, सीता जी अपनी घूम रही है अभी। अकलेश ने ये कह रहा है हमसे कि कृष्ण जी अब इलेक्शन हुआ पिछला तो यूपी में, तो अकलेश जी कह रहे हैं कि हमको तो कृष्ण भगवान ने सपनों दा हुआ है मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, कभी अखिलेश ने या अभिनय के मुलायम ने पापा ने कभी मंदिर के में सोचा कि हम एक मंदिर कृष्ण का बनवाएंगे? कभी सोचा था? मंदिर के नहीं सोचेंगे भगवान। ये पूरे भारत सरकार ने पूरा सोल्व कर रहे हैं कि हर मंदिर को हर मस्जिद को सोल्व कर रहे हैं, ये झंझट खत्म हो जाएगा, हिंदू मियां सब खत्म कर देगा। विकास का मुद्दा आना चाहिए, वो विकास का मुद्दा ला रहा है तो वो देख रहा है कि हिंदू मियां। विपक्ष लगातार पूछ रहे हैं कि 9.5 साल में कितनी नौकरियां दे दी युवाओं को अभी? हाँ, अच्छी दे रही है और भी दे रहा है। अरे प्राइवेट कंपनी आ रही है, फॉरेन से कंपनी आ रही है, आपको नौकरी मिलेगा? आप बोलिएगा जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेगा तो कैसे होगा? इसके लिए तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा ना। जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए और लाना चाहिए, नियम कानून लाना चाहिए। हम बोलेंगे जनसंख्या पर लाना चाहिए।